अलखादेश, माँ भगवती को अलखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। वशीकरण का ये मंत्र दत्तात्रेय तंत्र से आता है। 18 अक्षर का मंत्र है और आने वाले गुप्त नवरात्रि के 9 रात्रों में या फिर होली से एक रात पहले, दीपावली से एक रात पहले या किसी भी ग्रहण के दिन आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इसको 9 दिन के नवरात्रि में सिद्ध कीजिए या एक रात में आप सिद्ध कीजिए, जो गणना है, जो गिनती है वो 10,000 की होनी चाहिए। ठीक है, आसन का कोई इसमें वर्णन नहीं है। जब आसन का वर्णन ना हो और मंत्र जो है तंत्र का हो, मतलब षटकर्म का अगर मंत्र है तो दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए, काले कमल का आसन लेकर के। साथ में आपको 3 अगरबत्तियां जलानी चाहिए और जो दीप रहता है वो दीप हमेशा सरसों के तेल का रहता है। इसके अलावा नवेद अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, मंत्र 3 बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं विधान बताऊंगा जिससे कि आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, मतलब प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमः सर्वलोक वश कराय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सर्वलोक वश कराय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सर्वलोक वश कराय कुरु कुरु स्वाहा। सिर्फ इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया 10,000 जाप करके, तो किसी भी वस्तु को देख करके और एक माला इस मंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका चूर्ण बना के किसी को अगर भोजन में दे देंगे तो वो व्यक्ति आपसे वशीभूत हो जाएगा। ठीक है, जो औघड़ है वो क्या करेंगे कि मनुष्य की खोपड़ी लेंगे, ठीक है, उसमें चावल का खीर बनाएंगे, ठीक है, और उस खीर को छाया में, मतलब धूप में डायरेक्ट ना रख के उसको छाया में सुखा लेंगे। ठीक है, फिर जब वो पूरा जम जाए तो उसको कूट करके उसका चूर्ण तैयार कर लेंगे और उस चूर्ण को जो है आप एक माला उसकी तरफ देखते हुए जाप करेंगे, जो मंत्र आपको बताया। ये चूर्ण आप जिस भी व्यक्ति को खिलाइएगा वो आपसे वशीभूत रहेगा। ठीक है, जो थोड़ा वनस्पति की तरफ है, जो ये हड्डी और इनसे दूरी बना के रखते हैं, उनके लिए क्या है, ब्रह्मडंडी, ये किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएगा, पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगा, ब्रह्मडंडी, बच और कुट, ठीक है, और तांबुल मतलब सुपाड़ी, इन सब का रस, ठीक है, एक साथ मिला लीजिए, फिर इसको छाया में सुखा लीजिए और फिर इसको कूट करके जब इसका आप चूर्ण बनाएंगे, ये चूर्ण भी आप किसी को खिलाएंगे तो वो जो है आपसे वशीभूत रहेगा। ठीक, थोड़ा आसान उपाय चौथा, बरगद का जड़, ठीक है, उसको पानी में घिस लीजिए, ठीक है, और इसका तिलक जो है उस तिलक को देख करके उसको अभिमंत्रित कर दीजिए। वही होता है कि आप देखते हुए 108 बार मंत्र जाप करते हैं तो कोई भी वस्तु जो है वो अभिमंत्रित होती है। ठीक है, तो उसको लगा के जो व्यक्ति चलेगा उससे जो है पूरा जग जो है वो वशीभूत रहेगा। ठीक, टेक्निकली थोड़ा और जाए तो पूष नक्षत्र, ठीक है, पूर्णवा का जड़, ये देख लीजिएगा गलत इसके जैसा मिलता जुलता और भी वृक्ष होता है, तो पूर्णवा का जड़, ठीक है, उसको पूष नक्षत्र में 7 बार पढ़ के अभिमंत्रित कर लेंगे और अपने दाहिने हाथ में जिसको भी वशीभूत करना है, ठीक है, उसके नाम से या फिर सर्व जन लाल कपड़े में उस जड़ को बांध लेंगे अपने दाहिने हाथ में तो वो आपके वश में आ जाएगा। ये है 6ठा उपाय। अपामार्ग एक दूसरा पेड़ होता है, अपामार्ग का जड़ और कपिला गाय का दूध, ठीक है, इसको मिश्रित करके और पीस लेना है और वो जो इससे जो तिलक तैयार होगा उसको अभिमंत्रित करके लगा लेंगे तो जो भी आपको देखेगा वो आपके बाहर नहीं जा पाएगा, जो आप बोलेंगे वही करेगा। जो ब्रह्मडंडी होता है ना, ब्रह्मडंडी को तोड़ करके उसमें चिता का भस्म मिला करके उसको पीस लीजिए, ठीक है, और उस मिश्रण को अभिमंत्रित कर लीजिए, वो आप जिसके भी सर पर डालेंगे वो आपसे वशीभूत हो जाएगा।
श्वेत गुंजा, उसके फल को नहीं, दाने को नहीं, उसका जड़ ले लेना है, उसका पत्ता ले लेना है और एक सुपारी के साथ उसको पीस लेना है, ठीक है। और इन तीनों मिश्रण को जब आप किसी को खिलाएंगे, किसी भी चीज में मिला करके अभिमंत्रित, तो वो आपके वश में होता है, ठीक है। कुमकुम, तगर, हरिताल, कूट, मैनसील, ठीक है। और इन सब के मिश्रण में अपने अनामिका उंगली में थोड़ा सा एक काट करके और एक बूंद उसमें रक्त देके इसको मिला लेना होता है। और फिर इसको जब आप किसी के भोजन में डाल के खिलाते हैं अभिमंत्रित करके, तो उस वशीकरण को कोई नहीं काट सकता, वो व्यक्ति आपके बाहर नहीं जा सकता है सिवाय भैरव के चाहने के अलावा। अंतिम फिर से एक औघड़ वाला विधान बता रहा हूं। ऐसा कोई बैल हो जो रविवार को मर जाए, ठीक है, तो उस बैल का सींग ले लीजिए, ठीक है। और जिसको वशीभूत करना है, मान के चलिए कोई स्त्री का को वशीभूत करना है, तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी, उसको ले लीजिए और उस सींग में भर करके और अपने घर के किसी कोने में दबाएं, और 3 दिन तक उसके ऊपर दीपक रख करके इस मंत्र का जाप करेंगे, तो जो भी चाहे वो पुरुष हो या स्त्री है, वो आपसे वशीभूत हो जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं और ये एक मंत्र है जिससे इतने तरीके से आप किसी पे भी जो है वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। वशीकरण प्रयोग का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हिप्नोटाइज हो जाए। वशीकरण करने से क्या होता है कि जो आपका घोर विरोधी है, जो आपका आपको देखना नहीं चाहता और आपको ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति अगर मेरे पाले में हो तो मेरा काम बन सकता है या मेरा दिन अच्छा हो सकता है, तो वैसे व्यक्तियों को अपने गुड बुक्स में लाने के लिए आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और मंत्र बहुत आसान है और इसको करने में कोई असुविधा भी नहीं है, कोई जान का जोखिम भी नहीं है। तो आप लोग इस मंत्र को, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान का दिया हुआ कोई भी मंत्र है, वो आत्म रूप से सुरक्षित होता है। तो सुरक्षित मंत्र, जीवन में इतने सारी चीजों में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, तो प्रयोग कीजिए और खुशहाल रहिए। आज के लिए इतना ही। जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में हम यंत्र बनाना, मंत्र पढ़ना, मंत्र को सिद्ध करना, हवन करना, भैरव जी की सेवा करना, सब कुछ सिखाते हैं। जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम जानना है या लेख पढ़ना है, वो www.gurudev.com पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, नंबर पर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान दत्तात्रेय आप सभी को खुशी रखे और सब आपके पाले में हो, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश अलग खादेश।